तो योगी आदित्यनाथ जी से क्या समझौता आपने किया है? जो जहर जो विष आप पी रहे हो रोजाना भारतीय जनता पार्टी में बैठकर, राजभर जी की क्रेडिबिलिटी समाज में खत्म हो रही है, पूरा प्रदेश की जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी चौपट हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हेल्थ हो, कोलैप्स स्थिति है कि 2-4-10 मंत्री और नए बनाकर, जिनको खुद पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि सस्पेंशन हो, तो प्रदेश जो है वो डूब रहा है, उसका विकास डूब रहा है। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बीजेपी और सपा दोनों ही खेमों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजभर के मंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बीजेपी जहां इस तरफ कोई भी कदम उठाने में देरी करती दिख रही है, तो वहीं सपा इस मामले पर बीजेपी को हर मंच से घेरती नजर आ रही है। ऐसे में अब सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने भी बीजेपी को घेरते हुए ओपी राजभर पर दमभर तंज किया है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। अमीक जामेई ने ओपी राजभर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पूछ डाला है कि आखिर राजभर बीजेपी में जाने के बाद काम क्या कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप ये समझते हो कि ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड का ही बंटवारा हो, तो योगी आदित्यनाथ जी से क्या समझौता आपने किया है? जो जहर जो विष आप पी रहे हो रोजाना भारतीय जनता पार्टी में बैठकर, राजभर जी की क्रेडिबिलिटी समाज में खत्म हो रही है। राजभर युवा चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, राजभर युवा चाहते हैं कि आरक्षण में जो उनकी आबादी जितनी है उनको गिना जाए, राजभर युवा चाहते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें उनके अपॉइंटमेंट हो। आप देखिए जितने भी अपॉइंटमेंट योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, गिनती गिन लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी वहां से डिसअपीयर है। तो ओम प्रकाश राजभर जी को जो काम करना चाहिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ये समाज को बोल के गए हैं कि हम आपका काम कर देंगे, तो काम क्या कर रहे हैं? मणिकृष जी एक ऐसी शक्ति है, एक इतनी बड़ी फोर्स है समाजवादी आंदोलन, ये हमारा काम अपने भाइयों से लड़ना नहीं है, हमारा काम मंडल विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी शक्तियों से लड़ना है। इसके साथ ही जब बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की गई, तो उन्होंने बीजेपी के पुराने मंत्रियों के काम पर ही सवाल उठा दिए हैं। पिछला जो भी मंत्री बने, इवन चाहे बजाज पाठक जी को डिप्टी सीएम है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनाया, या हमारे जितिन प्रसाद जी को बड़ा मंत्रालय दिया, पूरा प्रदेश की जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी चौपट हो चुकी है। चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हेल्थ हो, कोलैप्स स्थिति। तो सवाल ये है कि 2-4-10 मंत्री और नए बनाकर, जिनको खुद पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि सस्पेंशन हो, तो प्रदेश जो है वो डूब रहा है, उसका विकास डूब रहा है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए वादे करने वाले लोग आए, जब सरकार ने हमारे उनको पूछा कि भैया पैसा लेकर आओ, तो उनके दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं। ताले क्यों लगे हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल, आपने नफरत का माहौल, जिस तरह से आपने यहां पे लोगों को लड़ाने का काम किया हुआ है, अशांति है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, उत्तर प्रदेश में कोई कॉर्पोरेट नहीं आना चाहता। तो सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। एक तरफ जहां उन्होंने ओपी राजभर को घेरा, तो वहीं बीजेपी पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।